हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप अक्सर ऐसा होता है, हम किचन में कुछ ऐसे बर्तन रख देते हैं जिनका यूज़ तो कुछ होता नहीं है, डेली यूज़ में वो आते भी नहीं हैं, और लास्ट में वो चिप चिप जो तेल का जो गंध है उसमें भर जाता है और तेल ही तेल वाले हो जाते हैं। तो कुछ इसी तरीके से मेरे बर्तन हो रखे थे, सारे बर्तन तेल तेल हो रखे थे, यूज़ में करती नहीं थी, डेली यूज़ में वो आते नहीं थे और वो सारे बर्तन चिप चिप हो गए थे। और जब एक बर्तन निकालने बैठो उसके चक्कर में चार बर्तन सर पर गिर जाते थे। तो फिर मैंने कहा यार चलो इसका कुछ आइडिया निकालते हैं। तो मैंने क्या करा, जितने भी पुराने बर्तन जिनका यूज़ नहीं हो रहा है, कहीं पे भी यूज़ नहीं आ रहे हैं, मेहमान इतने हैं नहीं जिनका बर्तनों का हम यूज़ करें, तो क्यों ना इन बर्तनों को अंदर रखा जाए। अक्सर हम ऐसा करते हैं कि किचन में खूब सारे बर्तन रख देते हैं भर भर के और यूज़ उनका हम करते नहीं हैं, और वो सारे बस तेल में गंदे उतरते हैं। तो मैंने थोड़ी जगह बनाने के लिए मैंने क्या करा, जो पुराने बर्तन हैं जिनका हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको मैंने क्या करा, फटाफट से निकाले और जो यूज़ वाले बर्तन हैं वो ऊपर रखे। और इनको मैंने एक एक करके क्या करा, तेल वाले बर्तनों को अच्छे से धो धा के अब मैंने कहा इनको अच्छे से अब मैं एक जगह रख दूँगी, एक जगह कोने में रख दूँगी, जैसे ज़्यादा मेहमान आते तब निकाल लेंगे। और अभी कोई मेहमान वगैरह भी नहीं थे, तो मेरे ख्याल से अगर 8-10 मेहमान आएंगे तो इतना तो हमारे पास बर्तन थे कि 8-10 मेहमान हो जाएंगे। तो क्या करा हमने कि उन बर्तनों को धोया और फटाफट से धूप में सुखाने के लिए रख दिया। जैसे वो सूख गए उनको एक कट्टे में भर के एक कोने में रख देंगे, जब भी इनको यूज़ नहीं है इसलिए। और उसके बाद जो यहाँ पर जितना भी झूठे बर्तन थे सब बर्तन वगैरह निपटाए मैंने। और यहाँ पे जितने भी थालियाँ हैं, ये देख सकते हैं आप थालियाँ, यहाँ पर इतनी थालियाँ हैं जितनी यूज़ नहीं होती है। तो मैंने क्या करा, इनको तो मैं अंदर नहीं रख सकती क्योंकि मेहमान कभी भी आ सकते हैं। तो मैंने क्या करा, ये जो थालियाँ हैं जो डेली यूज़ की हैं वो रख दी यहाँ पे, 3-4 थालियाँ, बाकी थालियाँ मैंने ऊपर रख दी, क्योंकि अचानक से अगर 8-10 मेहमान आ जाए तो वो थालियाँ हम बार बार थोड़ी अंदर से निकालेंगे। तो मैंने वो थालियाँ वहीं रख दी हैं, बाकी मैंने कटोरियाँ जो है बेकार से वो मतलब बिगड़ रखी थी, तो मैंने इनको अच्छे से सेट करके रख दिया, इन कटोरियों का सेट बना के अच्छे से रखा उनको। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, आपको और वीडियो इस तरीके की मिलती रहेंगी। बाकी जो झूठे बर्तन हैं उनको निपटाया और किचन को थोड़ा सा हल्का अपने लिए हल्का कर दिया, और जो डेली यूज़ के बर्तन हैं वो मैंने रखे। बाकी मैंने किचन के लिए कुछ मंगाया है वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखते हैं। तब तक के लिए ओके बाय, वेटिंग फॉर न्यू ब्लॉग।